हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रेन नंबर 12919 12920 डॉक्टर अंबेडकर नगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के मध्य चलने वाली मालवा सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। 11 जून से इस ट्रेन के टाइम टेबल में परिवर्तन किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस ट्रेन के नए टाइम टेबल के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 02919 डॉक्टर अंबेडकर नगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के मध्य चलने वाली ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में। यह ट्रेन 11:15 डॉक्टर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। 12:05 पर इंदौर जंक्शन पहुंचेगी और 12:15 पर वहां से डिपार्चर लेगी। 13:45 पर यह ट्रेन उज्जैन पहुंचेगी, सही 14 बजे वहां से डिपार्चर लेगी। 15:19 पर यह कोदिया पहुंचेगी और 15:20 पर वहां से डिपार्चर लेगी। 16:10 पर यह ट्रेन सिहोरे पहुंचेगी और 16:11 पर वहां से डिपार्चर लेगी। 17:20 पर यह ट्रेन भोपाल जंक्शन पहुंचेगी और 17:30 पर वहां से डिपार्चर लेगी। 19:30 पर यह बीना जंक्शन पहुंचेगी और 19:35 पर वहां से डिपार्चर लेगी। 21:30 पर यह झांसी जंक्शन पहुंचेगी और 21:38 पर वहां से डिपार्चर लेगी। 22:55 पर यह ट्रेन ग्वालियर जंक्शन पहुंचेगी और 22:57 पर वहां से डिपार्चर लेगी। 12:43 पर आगरा कैंट पहुंचेगी और 12:48 पर वहां से डिपार्चर लेगी। 1:23 पर मथुरा जंक्शन पहुंचेगी और 1:25 पर वहां से डिपार्चर लेगी। 3:31 पर फरीदाबाद पहुंचेगी और 3:33 पर वहां से डिपार्चर लेगी। 4:20 पर यह न्यू दिल्ली पहुंचेगी और 4:35 पर वहां से रवाना होगी। 5:15 पर यह ट्रेन सोनीपत पहुंचेगी और 5:17 पर वहां से डिपार्चर लेगी। 5:45 पर यह ट्रेन पानीपत पहुंचेगी और 5:47 पर वहां से डिपार्चर लेगी। 7:33 पर यह ट्रेन अंबाला कैंट पहुंचेगी और 7:40 पर वहां से डिपार्चर लेगी। 8:14 पर सरहंद जंक्शन पहुंचेगी और 8:16 पर वहां से डिपार्चर लेगी। 9:30 पर लुधियाना जंक्शन पहुंचेगी और 9:40 पर वहां से रवाना होगी। 11:20 पर यह ट्रेन दसुआ पहुंचेगी और 11:22 पर वहां से डिपार्चर लेगी। 12:23 पर यह ट्रेन पठानकोट कैंट पहुंचेगी और 12:26 पर वहां से डिपार्चर लेगी। 14:30 पर यह ट्रेन जम्मू तवी पहुंचेगी और 14:38 पर वहां से रवाना होगी। 16:21 पर उधमपुर पहुंचेगी और 16:23 पर वहां से डिपार्चर लेगी। और 17:10 पर यह ट्रेन अपने डेस्टिनेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 02920 श्री माता वैष्णो देवी कटरा से डॉक्टर अंबेडकर नगर के मध्य चलने वाली ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में। यह ट्रेन 8:35 पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा से रवाना होगी। 9:04 पर उधमपुर पहुंचेगी और 9:06 पर वहां से डिपार्चर लेगी। 10:25 पर जम्मू तवी पहुंचेगी और 10:35 पर वहां से डिपार्चर लेगी। 12:25 पर यह ट्रेन पठानकोट कैंट पहुंचेगी और 12:30 पर वहां से डिपार्चर लेगी। 14:15 पर यह ट्रेन जलंधर जंक्शन पहुंचेगी और 14:18 पर वहां से रवाना होगी। 16:17 पर यह ट्रेन सरहंद जंक्शन पहुंचेगी और 16:19 पर वहां से डिपार्चर लेगी। सही 17:00 अंबाला कैंट पहुंचेगी और 17:05 पर वहां से डिपार्चर लेगी। सही 18:00 यह ट्रेन करनाल रेलवे स्टेशन पहुंचेगी और 18:02 पर वहां से डिपार्चर लेगी। 19:04 पर यह ट्रेन सोनीपत पहुंचेगी और 19:06 पर वहां से डिपार्चर लेगी। 20:15 पर यह ट्रेन न्यू दिल्ली पहुंचेगी और 20:30 पर वहां से डिपार्चर लेगी। 21:01 पर यह ट्रेन फरीदाबाद पहुंचेगी और 21:03 पर वहां से रवाना होगी। 21:40 पर यह ट्रेन पलवल पहुंचेगी और 21:42 पर वहां से डिपार्चर लेगी। 22:33 पर यह ट्रेन मथुरा पहुंचेगी और 22:35 पर वहां से डिपार्चर लेगी। 23:10 पर यह ट्रेन आगरा कैंट पहुंचेगी और 23:15 पर वहां से डिपार्चर लेगी। 1:25 पर यह ट्रेन ग्वालियर जंक्शन पहुंचेगी और 1:27 पर वहां से रवाना होगी। 3:05 पर यह ट्रेन झांसी जंक्शन पहुंचेगी और 3:15 पर वहां से डिपार्चर लेगी। 5:30 पर यह ट्रेन बीना जंक्शन पहुंचेगी और 5:35 पर वहां से रवाना होगी। 7:30 पर यह ट्रेन भोपाल पहुंचेगी और 7:50 पर वहां से डिपार्चर लेगी। 8:38 पर यह ट्रेन सिहोर पहुंचेगी और 8:39 पर वहां से रवाना होगी। 9:33 पर यह ट्रेन अकोदिया पहुंचेगी और 9:34 पर वहां से रवाना होगी। 10:29 पर यह ट्रेन मक्सी पहुंचेगी और 10:30 पर वहां से डिपार्चर लेगी। 11:20 पर यह ट्रेन उज्जैन जंक्शन पहुंचेगी और 11:35 पर वहां से डिपार्चर लेगी। 13:40 पर यह ट्रेन इंदौर जंक्शन पहुंचेगी और 13:50 पर वहां से रवाना होगी। और सही 14:30 पर यह ट्रेन अपने डेस्टिनेशन डॉक्टर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी।
उम्मीद है दोस्तों आप सबको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह के वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि वीडियो के साथ साथ मुझे आप सबका फीडबैक साथ साथ मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।